सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? सबसे पहले हम महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग पर आधारित कहानी सुनेंगे, बापू की पाती में। उसके बाद हिंदी की कक्षा में हम एक प्रेरक कहानी देखेंगे, जुगनू की सूंड। उसके बाद अक्षर और 12 खड़ी के बारे में सीखेंगे और खेलेंगे एक खेल जिसका नाम है बोलो कौन, जिसमें हम अपने रिश्तेदारों में से किनको क्या बोला जाता है यह सीखेंगे। फिर एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे, मेकअप शेकअप। फिर हमारी दोस्ती होगी गणित से और हम सीखेंगे संख्याओं के स्थानीय मान और गुणा पहाड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। गुजरात राज्य का एक खुशहाल इलाका है सौराष्ट्र, जिसे काठियावाड़ भी कहते हैं। इसी में समुद्र के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है पोरबंदर। आज से 150 साल पहले यह एक रियासत थी। यहाँ एक राजघराने का शासन था। यहीं पर 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। पुतलीबाई, मोहन की माँ, उन्हें प्यार से मोनिया कह के बुलाती थी। मोहन के पिता करमचंद कभा गांधी, उनके पिता की ही तरह वे भी राज रजवाड़ों में दीवान थे। दीवान यानी रियासत के प्रधानमंत्री। करमचंद जी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, पर उनकी सूझबूझ और नेक दिली में सभी का भरोसा था। वे हमेशा शुद्ध न्याय ही करते थे। धन बटोरने का लोभ उन्होंने कभी नहीं किया। पुतली बाई थी धर्म की पक्की, लंबे और कठोर उपवास रखती, रोज प्रणामी संप्रदाय के मंदिर जाती, जहां वेद पुराण और गीता के साथ ही कुरान और तरह तरह के संतों के उपदेश भी लिखे होते थे। मोहन का घर 3 मंजिल और 12 कमरे वाला, इसी में उनका जन्म हुआ। मोहन के भाई लक्ष्मीदास और करसनदास और बहन रलियात, मोहन सबसे छोटे थे। छुटपन में उनकी बहन रलियात उन्हें खूब खिलाती थी और खूब बहलाती थी। मोहन बहुत चंचल थे, जरा देर भी शांत नहीं बैठते थे। कुत्तों के कान उमेटने में उन्हें बहुत मजा आता। मोहन के घर मजेदार स्वादिष्ट खाना पकता था, वैष्णव शाकाहारी भोजन। तरकारी बनाने के लिए सब्जी अक्सर उनके पिताजी ही काटते थे। जब वो 5 साल के थे, तब उनका परिवार राजकोट चला आया और जल्दी ही उनके पिताजी वहां के दीवान बन गए। ओखा नाम का एक लड़का उनके घर पर सफाई करने आता था। मोहन उसे दोस्ती करना चाहते थे, पर उनकी माँ कहती कि ओखा अछूत है, उसे छूना नहीं चाहिए। मोहन को छुआछूत गलत लगती थी, पर माँ का कहा टालना भी गलत था। राजकोट में मोहन नियमित पाठशाला जाने लगे, पर उन्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता था। ना जाती थी, डर लगता था कि दूसरे उन पर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे।
वो जरूरत से ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, शिक्षकों से भी नहीं। घंटी बजते ही अंदर जाते और कक्षा पूरी होते हुए दौड़ के बाहर निकलते और घर चले जाते। उनकी किताबें और पाठ ही उनके दोस्त थे। मोहन एक मामूली छात्र थे, ना तो बहुत होशियार और ना ही एकदम फिसड्डी। हाँ, उन्होंने कभी शिक्षकों या सहपाठियों से झूठ नहीं बोला था, ये उनसे होता ही नहीं था। एक बार अध्यापक महोदय ने खुद उनसे नकल करने के लिए कहा, लेकिन ये बात उन्हें समझ में नहीं आई। विद्यालय के पाठ ही पूरे नहीं हो पाते थे, कुछ और पढ़ना तो दूर की बात। पर एक बार उन्होंने अपने पिता की लाई एक किताब पढ़ी, उसमें माता पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार की कहानी थी, जिसे बाद में उन्होंने एक चलचित्र में भी देखा। मोहन एकदम श्रवण कुमार जैसा बनना चाहते थे। उसका असर इतना गहरा पड़ा कि मोहन ने चलचित्र का संगीत अपने बाजे पर बजाना सीख लिया। मोहन के माता पिता सत्य और धर्म को सदा ही मानते थे। उन्होंने देखा कि वे सच्चाई के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं। उनके ऊपर श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र की कहानियां, सत्य की ताकत मोहन के मन में और गहरी बैठ गई थी। उस समय नौटंकी दिखाने वाले घूमते रहते थे खेला दिखाने के लिए। एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने मोहन गए। हरिश्चंद्र हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। मोहन को नाटक इतना बढ़िया लगा कि बार बार देखने की इच्छा होती। नाटक के वाक्य वो अपने मन में दोहराते और उन्हें लग सब लोग हरिश्चंद्र की ही तरह सत्यवादी क्यों नहीं हो जाते। क्या तुमने हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कहानियां सुनी हैं? अगर नहीं तो तुम्हारे आसपास जो हैं, तुम उनसे पूछना, ये कहानियां बहुत ही खास हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम महात्मा गांधी जी की शादी और उनके स्कूल के कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी पढ़ाई के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम खेल कूद में हंसी मजाक में कुछ सीखेंगे। इसमें अपने मम्मी पापा भाई बहन को भी साथ में रखिएगा। ये वोट पाठशाला है जो घर में ही चलती है। इसमें हम पढ़ना सीखेंगे, भाषा सीखेंगे और गणित के कुछ खेल भी खेलेंगे। तो चलिए करें शुरू। हम शुरुआत करेंगे हिंदी की एक कहानी से। इस कहानी के बाद हम कहानी को लेकर ही कुछ खेल भी खेलेंगे और उनसे भाषा सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिट्टो की मौसी, काम से फुर्सत हुई या अभी भी काम में लगी हुई हो? अरे बिट्टू के काका, ये काम तो जीवन भर चलता ही रहेगा। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? मौसी, काका पक्का कहानी सुनाने की बात करने वाले हैं। सही पहचाना बिट्टो। तो सुने आज की कहानी? हाँ काका, शुरू कीजिए। सुनाइए सुनाइए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी का नाम है जुगनी की सूंड। जुगनी की सूंड। जुगनी एक छोटी हथनी थी, उसकी सूंड नहीं थी। एक बार वह जंगल की सैर करने निकली, उसे एक जिराफ मिला। जिराफ ने उसकी सूंड के बारे में पूछा। उसे एक गेंडा मिला, गेंडे ने उसे अपना सींग दिखाया। थोड़ा और आगे उसे एक दरियाई घोड़ा मिला, उसने भी उसका मजाक उड़ाया।
जुगनी उदास हो गई। तभी कौवे ने पूछा, क्या हुआ? जुगनी की बात सुनकर कौवा उसे अपने साथ ले गया। दोनों एक तालाब के किनारे जा पहुंचे। कौवे ने जोर से आवाज लगाई। तालाब से एक मगर बाहर निकला। जुगनी ने मगर को सारी बात बताई। जुगनी ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मगर ने उसकी नाक पकड़कर खींची। उसकी नाक लंबी सूंड बन गई। जुगनी ने हैरानी से अपनी सूंड को देखा। अब वो ऊंचाई पर लगे फल भी खा सकती है। सूंड में पानी भरकर नहा भी सकती है। अब जुगनी बहुत खुश है। तो कैसी लगी तुम दोनों को ये कहानी? मुझे तो ये कहानी सुनकर बहुत मजा आया। इस कहानी को पढ़ने वाले बच्चे की आवाज बहुत प्यारी है। उसके कहानी पढ़ने का तरीका मन को मोह लेता है। बच्चा कहीं कहीं अटकता जरूर है, लेकिन उसकी चंचलता और नटखटता उसके पढ़ने से साफ नजर आती है। कहानी तो अच्छी थी। इसका मतलब ऐसे हाथी की सूंड इतनी लंबी हो गई है? अरे नहीं बिट्टू, यह एक लोक कथा है। अच्छा, हाथी की सूंड तो उसके जन्म से ही उतनी लंबी होती है। अच्छा ये बताओ, जब तुम छोटी थी तब कोई तुम्हारा दायां हाथ पकड़कर खींच देता तो क्या तुम्हारा दायां हाथ लंबा और बायां हाथ छोटा रह जाता? नहीं तो, ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी के खींचने से मेरा हाथ कैसे लंबा हो सकता है? शरीर तो अपने आप ही बड़ा होता है। हाँ, हमारा शरीर उम्र के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन बच्चों को सही खान पान ना मिले तो उनका विकास बहुत धीरे धीरे होता है। बात तो सही कही तुमने बिट्टू की मौसी। अच्छा तो तुम दोनों को कहानी समझ में आई? हाँ बिल्कुल। हाँ काका, पूरी की पूरी समझ आ गई। तो क्या मैं इस पर कुछ सवाल पूछूं? हाँ पूछिए। हाँ जरूर पूछिए, मैं सारे सवालों के जवाब झट से दे दूंगी। तो बिट्टू की मौसी, तुमसे सवाल शुरू करते हैं। ये बताओ, जब जुगनी की सूंड अचानक से लंबी हो गई तो जुगनी कैसा महसूस कर रही होगी? बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अब वो अपनी सूंड से पानी पी पाएगी, फल तोड़कर खा पाएगी और तालाब में सूंड डालकर उसमें पानी भरेगी और नहाएगी। वाह वाह बिट्टू, अब एक सवाल तुमसे। हाँ काका। जुगनी तो सैर करने निकली थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सूंड लंबी हो गई? हाँ, जुगनी तो सैर करने निकली थी, उसकी सूंड नहीं है यह बात तो उसे पता ही नहीं थी। लेकिन जब जिराफ से, गेंडे से, दरियाई घोड़े से मिली, सभी ने उसका मजाक उड़ाया। बेचारी उदास हो गई, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा। जब कौवा उसे मगरमच्छ के पास ले गया तब मगरमच्छ ने उसकी सूंड बड़ी की। अच्छा काका, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बिट्टू, तुम भी पूछो। जब जुगनी की सूंड बड़ी हो गई होगी तब क्या सारे जानवरों ने उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया होगा? अरे बिट्टू, लोगों का तो काम ही होता है मजाक उड़ाना, वो तो बाद में भी उड़ा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे तो मजाक उड़ाना बंद कर दिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी कहते होंगे, लंबी लंबी सूंड वाली जुगनी
लंबी लंबी सूंड वाली जुगनी। आप सभी ने भी यह कहानी सुनी, तो आप भी इन सवालों पर घर पर चर्चा करें और इनका उत्तर सोचकर किसी को बताएं। तो आपके लिए पहला सवाल ये रहा, कहानी में जुगनी ने किस किस से मदद मांगी। दूसरा सवाल, क्या कभी हमें किसी का इस बात पर मजाक उड़ाना चाहिए कि वह हमसे अलग है? यदि नहीं तो क्यों? क्या आपका भी किसी ने कभी किसी बात पर मजाक उड़ाया है? तब आपने क्या किया था? कहानी पर तो हमने बहुत सारी बातचीत की, लेकिन आइए अब जरा एक खेल खेलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अक्षर खेल। इस खेल में आपको अक्षरों पर मात्रा चुनकर लगाना है और शब्द बनाना है। तो आइए खेलें। यहाँ इस खेल को खेलने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो पहला निर्देश है, आपको स्क्रीन पर एक अपूर्ण शब्द दिखाई देगा। दूसरा, उचित मात्रा चुनकर सही शब्द बनाना है। तीसरा, पहले अक्षर चुनिए फिर उचित मात्रा चुनिए। तो शुरू करें। नाच, नाच, नाच। पहली मात्रा। तो देखें सही है या नहीं। Congrats! खौफ, खौफ, खौफ। सातवीं मात्रा लगाकर देखते हैं। देखें। Please try again. ओह, ये गलत हो गया। तो शायद नवमी मात्रा जो होगी वो खौफ, खौ होगी। Fantastic. फो, ना। फो पर आठवीं मात्रा लगाइए। देखें। Fantastic. जेवर, जे व र। ठीक है, जेवर। तो ज पर छठवीं मात्रा लगाकर देखते हैं। देखें सही है या गलत। जीब, जी भ। जीब। दूसरी मात्रा लगाकर देखते हैं ज पर। प्लीज ट्राई अगेन। ओह, ये गलत है। ठीक है, फिर से कोशिश करती हूँ। तीसरी मात्रा लगाकर देखिए ज पर। वेल डन। एक बार फिर से खेलते हैं। खूब, खूब। ख पर चौथी मात्रा लगाकर देखते हैं। वन मोर ट्राई प्लीज। ओह, तो इसकी अगली वाली मात्रा पांचवी मात्रा ख पर लगा के देखते हैं। वेल डन। दाल, दा, ल। दाल। ओहो, दाल तो मैं रोज खाती हूँ। द पर पहली मात्रा लगाकर देखते हैं। You are brilliant. Thank you. केश, केश, केश। केश का अर्थ शायद बाल होता है। तो केश में क पर छठवीं मात्रा लगाकर देखते हैं। You are brilliant. तबला, त ब ला। तबला। त ब ला। अच्छा, तो यहाँ पर त पर मात्रा नहीं है, ब पर मात्रा नहीं है, तो ल पर पहली मात्रा लगाकर देखते हैं। Fantastic. बोतल, बो त ल। बो त ल। तो त और ल पर मात्रा तो नहीं है, ब पर है, ब पर है बो। तो
आठवीं मात्रा लगाकर देखते हैं ब पर। Fantastic. एक बार और कोशिश करें। नियम नी य म नी य म। ओके, तो य म पर मात्रा नहीं है, तो दूसरी मात्रा न पर लगाकर देखते हैं सही है या गलत। You are brilliant. पेन पे न पेन लिखने वाला पेन। तो प पर छठी मात्रा लगाकर देखते हैं ये सही होगी या गलत। You are brilliant. Thank you. No, no क no क क पर कोई मात्रा नहीं है, मतलब न पर है, तो न पर छठी मात्रा लगाकर देखते हैं। One more try, please. Oh, तो सातवीं मात्रा लगाकर देखते हैं न पर। Wrong answer. Oh, तो आठवीं मात्रा लगाकर देखते हैं न पर ही। ओ अच्छा, मेंढक 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 में तो छठी मात्रा लगाकर देखते हैं म पर। कम ऑन, यू कैन डू बेटर, ट्राई अगेन। ओ अभी इसमें क्या गलत है। ओ अच्छा, ड ढ ढ तो ड पर आखिरी मात्रा जो है वो लगाकर देखते हैं, शायद ये इसी की बात कर रहे हैं। Wrong answer. ओ फिर क्या गलत है। ओ मैंने ऊपर में पे बिंदी नहीं लगाई। आगे चलते हैं। पगड़ी प ग डी प ग डी। अच्छा मैं समझ गई, डी ड पर तीसरी मात्रा लगाकर देखते हैं। That's very good. बढ़िया खेल था, मजा आया। हाँ हाँ, खेल तो बहुत बढ़िया था, हमको भी बहुत मजा आया। हाँ खूब मजा आया। बिट्टू तुम ये बताओ, तुम मुझे मौसी क्यों कहती हो? हाँ ये तो मजेदार बात पूछी तुमने। क्योंकि आप मेरी माँ की बहन हैं और माँ की बहन को मौसी कहते हैं। मौसी कई बार कौन मेरा रिश्ते में क्या लगता है ये मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे हर बार माँ को पूछना पड़ता है। अच्छा बिट्टो ऐसा क्या, तो चलो आज ये समझने के लिए एक खेल खेलते हैं। हाँ मौसी ये सही रहेगा। तो खेल शुरू करें। तो आज एक खेल खेलते हैं जिसमें हम रिश्तों के बारे में जानेंगे, कौन किसका क्या लगता है इस खेल के जरिए हमें पता चलेगा। तो आइए खेल शुरू करते हैं। मौसी की बेटी, मौसी की बेटी मेरी क्या हुई, मेरी मौसी की बेटी मेरी बहन हुई, तो मौसेरी बहन। बेटी या बेटा के ससुर, ओ ये तो बहुत मुश्किल है। मेरी बेटी, पर मेरी तो बेटी अभी है ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। अच्छा फिर भी मैं सोचती हूँ, बेटी या बेटा के ससुर, शायद पहला समधी कहलाता है शायद ये। पति का बड़ा भाई, ये जेठ कहलाता है। भाई की पुत्री, भाई की पुत्री, भाई की पुत्री कौन होगी,
चचेरी बहन तो नहीं हो सकती है, बिकॉज भाई ही मेरा ही हुआ, तो उसकी बेटी पुत्री कैसे होगी, भतीजी होगी शायद, भतीजी। मेंढक नीचे गिरने से बच गया। छोटे भाई की पत्नी, ओह ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। छोटे भाई की पत्नी, भाई बहू या भयो? एक बार फिर से खेलते हैं, बड़ा ही मजेदार खेल है। पुत्री का पति, पुत्री का पति, ये क्या होता है? शायद इसे दामाद कहते हैं। पत्नी के जीजा, पत्नी के जीजा, अच्छा देवर। ओह मेंढक पानी में गिर गया। क्या ये साढ़ू कहलाते हैं? ओह पोते नाती का बेटा, पंथी शायद, शायद पंथी कहते हैं। भाई का पुत्र, भाई का पुत्र भतीजा होगा शायद। बेटी की सास, बहन शायद। ओह मेंढक गिर गया, तो समधन ही होगा। तो कुछ समझ में आया बिट्टू? हाँ मौसी, इस खेल से तो बहुत सारे रिश्ते समझ आए कि उन्हें क्या कहकर पुकारना होता है। अच्छा तो इसी बात पर ये बताओ कि चाचा कौन कहलाता है? चाचा पापा के भाई को कहा जाता है, तो पापा के भाई चाचा हुए। बिट्टू और बिट्टू की मौसी, तुम दोनों ने ये खेल तो बहुत अच्छे से खेला, लेकिन अभी भी मेरे सवालों का पिटारा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सवाल हैं। आज तो लगता है खेल खेल कर ही दम निकल जाएगा। काका अब इसके आगे आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? एक खेल और खेला जाए, ऐसा मन हो रहा है। एक और खेल? कैसा खेल काका? वाक्यों का खेल, इस बार वाक्यों का खेल खेलते हैं। हाँ हाँ काका जरूर खिलवाइए, मैं तो खेल खेलने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। लेकिन मौसी का क्या? ठीक है, साथ देने के लिए तो मैं खेल ही सकती हूँ। तो हमें इस खेल में क्या करना होगा? ये खेल कुछ ऐसे खेला जाएगा, मैं तुम दोनों को एक शब्द दूंगा और तुम्हें उससे अलग अलग वाक्य बोलने होंगे। काका गाय के निबंध जैसा? अब ये गाय का निबंध कहाँ से आ गया? मौसी स्कूल में हमें गाय पर निबंध लिखना होता है, तो हम लिखते थे गाय घास खाती है, गाय के चार पैर होते हैं, गाय का मोटा पेट होता है, वगैरह वगैरह। तो हर वाक्य को हम गाय से शुरू करते थे, मतलब गाय तो हर वाक्य में आना ही है। बिट्टू गाय का निबंध वैसे नहीं लिखना चाहिए जिसमें गाय शब्द बार बार आए। कई बार वाक्यों के अनुसार संज्ञा की जगह सर्वनाम जैसे शब्द, जैसे उसके, उसे, ये सब भी इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हारी मौसी सही कहती है, लेकिन हाँ यह खेल कुछ कुछ वैसा ही खेलना है। तो मैं तुम्हें शब्द देता हूँ आम। अरे ये तो बहुत आसान है बिट्टू, तुम ही क्यों नहीं शुरू करती? ठीक है मौसी, आम का मौसम है, हमारा आम का बगीचा है, आम सिर्फ गर्मियों में ही आता है, बाजार में कई किस्म के आम मिलते हैं। बस बस, अरे बिट्टू रुको रुको रुको, अब मौसी को बताने दो, मौसी बताएगी। अच्छा चलो आप भी क्या याद रखोगे, मैं ही शुरू करती हूँ। आम की गुठलियों का इस्तेमाल
औषधि बनाने में होता है। इसके पत्तों का इस्तेमाल बहुत सारे कार्यों में किया जाता है। इसके फूल सफेद और गुलाबी रंग के होते हैं। तुम दोनों ने तो आम के बारे में कई बातें बताई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसी तरह लौकी पर एमन, उत्प्रेक्षा और कोमल ने कुछ वाक्य बोले हैं। चलो उन्हें भी सुनते हैं। हाँ, लौकी की सब्जी बनती है। लौकी खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। लौकी लंबा और गोल होता है। लौकी का रस पीना चाहिए। लौकी का रंग हरा होता है। मेरे खेत में लौकी लगी हुई है। लौकी खाने से बीमारी दूर रहती है। लौकी से पकौड़ी बनाते हैं। लौकी का पौधा बहुत फैलता है। लौकी का बीज उजला होता है। लौकी में बहुत फूल लगे हैं। लौकी को कद्दू और घिया भी बोलते हैं। लौकी में पानी अधिक होता है। लौकी में विटामिन के साथ आयरन भी होता है। लौकी से खीर बनती है। अब चलो हम एक मजेदार खेल खेलते हैं। आज हम एक बहुत ही अलग गेम खेलने वाले हैं, जिसका नाम है मेकअप शेकअप। नाम सुनकर ही गेम क्या होगा इसकी उत्सुकता बढ़ गई है। गेम के नाम में मेकअप आया है, मतलब ये गेम जरूर खुद का मेकअप वाला होगा। चलिए फिर जरा भी वक्त न गवाते हुए हम गेम की शुरुआत करते हैं। अरे वाह, इस गेम में तो हमें दूसरों को तैयार करना है। जैसे हम गुड़िया सजाते हैं, मुझे तो गुड़िया सजाने में बहुत मजा आता है। इस गेम में हमें लड़का और लड़की दोनों को तैयार करना है। तो चलो शुरू करते हैं। हम लड़का पहले सजाएं या लड़की पहले सजाएं? चलिए हम लड़की को तैयार करते हैं। अरे वाह, यहाँ तो कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। दाहिनी ओर बाल, आँखें, नाक और ओठों के ऑप्शन है, तो बाहिनी ओर कपड़ों के ऑप्शन है। हर एक ऑप्शन में अनेक ऑप्शंस दिख रहे हैं। चलिए सबको बारी बारी चेक करते हैं। कपड़ों और जूतों के भी कई सारे ऑप्शन हैं। अब हमारी लड़की को तैयार करते हैं। शुरुआत कपड़ों से करते हैं। यह गुलाबी और नीली ड्रेस तो बहुत बढ़िया लग रही है। इस ड्रेस के ऊपर ये लाल जूते बहुत खूब दिखेंगे। चलिए अब गुड़िया की थोड़ी हेयर स्टाइल की जाए। यह छोटे बाल बहुत अच्छे दिखेंगे इस ड्रेस पर। मुझे लगता है गुड़िया की आंखें छोटी रहे। नाक का ये पहला वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है। अरे वाह, अपनी गुड़िया तो बहुत सुंदर लग रही है। इसकी हम फोटो निकालते हैं। अभी बारी है लड़के की। यह लड़के वाला ऑप्शन देख रहे हो? चलो अभी लड़के को तैयार करते हैं। लड़के को तैयार करने की शुरुआत हम आंखों से करेंगे। ये बड़े बड़े चश्मे वाली आंखें बहुत खूब लगेगी। नाक, हम ये तीसरे नंबर वाली नाक लगाते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया लग रहा है। अब बारी है ओठों की। ये लास्ट वाला ओंट अच्छा लग रहा है अपने लड़के के चेहरे पर। अब इसके बालों की बारी। ये स्पाइक वाले बाल अच्छे लगेंगे। अरे वाह, लड़का तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी बारी कपड़ों और जूतों की। यह नीला और हरा टी शर्ट अच्छा लग रहा है और इसके ऊपर यह नीली हाफ पैंट तो खूब जचेगी। नीली पैंट के साथ
ये नीले जूते भी बढ़िया लग रहे हैं। अपना लड़का तैयार है, इसकी भी फोटो निकालते हैं। मेरा तो मन नहीं भरा ये गेम खेलकर। चलिए वापस लड़की को तैयार करते हैं। इस बार मैं उसे यह बंधे हुए बाल लगाऊंगी और आंखें बड़ी चश्मे वाली, नाक या चपटी वाली नाक नहीं तो यह नुकीली अच्छी लग रही है। इसके चेहरे पर यह हंसता हुआ ओठ और अच्छा लगेगा। कपड़ों में इस पीली टॉप के साथ यह चॉकलेटी स्कर्ट खूब लगेगी। और यह आखिरी वाले जूते अच्छे लगेंगे। हमारी लड़की तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, इसकी फोटो निकालते हैं। अभी वापस लड़के को तैयार करते हैं। शुरुआत बालों से करते हैं। यह सीधे साधे बाल बहुत अच्छे लगेंगे। इस बार हम लड़के की आंखें छोटी करेंगे और नाक एकदम नुकीली। ओंठ में यह दांत के साथ वाले ओंठ खूब लगेंगे। अब बारी फाइनल लुक की, यानी कपड़ों और जूतों की। यह लाल और पीली टी शर्ट के साथ यह पीले रंग की पैंट मैच हो रही है। इन कपड़ों के साथ यह जामुनी रंग के जूते और सॉक्स जच रहे हैं। इसी के साथ अपना लड़का भी तैयार हो गया। अब बारी है फोटो की। क्यों दोस्तों, मजा आया ना लड़का और लड़की को तैयार करके? मुझे तो बहुत मजा आया। आप भी यह गेम खेलकर अपने पसंद से लड़का या लड़की को तैयार कीजिए। और हाँ, फोटो लेना ना भूलें। गणित का डर हमारे मन में बैठा है, क्यों? सही कहा ना? हाँ, मगर इस घर की पाठशाला में आपकी हम गणित से भी दोस्ती करा देंगे। वो कैसे? बस देखते जाइए, टीवी के करीब बैठिए और ध्यान से देखिए। धीरे धीरे खेल खेल में आपकी गणित से दोस्ती भी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं गणित के कुछ खेलों से। प्यारे बच्चों, आओ आज हम स्थानीय मान समझते हैं। इसके लिए हम एक तीली का उदाहरण लेते हैं। इस तरह की एक तीली का मूल्य एक इकाई होता है। इसी तरह अगर हमारे पास एक, दो, तीन तीलियां हैं तो ये तीन तीलियों का मूल्य तीन इकाई होगा। और अगर हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, नौ तीलियां हैं तब यह इनका मूल्य हो जाएगा नौ इकाई। और अब अगर नौ से ज्यादा तीलियां हुई, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, तो ये दस तीलियां दस इकाई हैं। और अगर इन दस तीलियों को एक समूह में मिला दिया जाए तो एक बंडल बन जाता है, और इस एक बंडल को एक दहाई कहते हैं। अर्थात 10 इकाई बराबर एक दहाई होता है। या आप कह सकते हैं कि एक दहाई बराबर 10। और इस तरह के हमारे पास अगर एक से ज्यादा बंडल हो, जैसे एक, दो, तीन, चार, तो ये चार दहाई बराबर 40 हो जाएगा। अब अगर बंडल थोड़े ज्यादा हो, जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, तो दस दहाई बराबर 100 होता है। अब अगर इन बंडल को मिलाकर
एक बक्से में बंद कर देते हैं, तो यह एक बक्सा सैकड़े के बराबर होता है, अर्थात 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा होता है। या आप कह सकते हैं कि 1 सैकड़ा बराबर 100 होता है। अब अगर इस तरह की 1 से ज्यादा बक्से हों, जैसे 1, 2, 3, 4, तो 4 बक्से यानी 4 सैकड़ा बराबर 400 होता है। तो आपने समझा कि 1 इकाई बराबर 1, 1 दहाई बराबर 10 और 1 सैकड़ा बराबर 100। अब एक उदाहरण लीजिए, आपके पास 6 दहाई हैं, यानी कि 6 बंडल। तो इस तरह 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। तो आप समझ गए कि 6 दहाई बराबर 60 होता है। आओ अब स्थानीय मान को समझते हैं। इस तरह से अगर आपके पास 2 बक्से हैं तो ये 200 होगा, और इस तरह से आपके पास अगर 3 बंडल हैं तो इसे हम 30 कहेंगे, और अगर इनको मिला दिया जाए तो ये 230 हो जाएगा, और अगर इसमें हम 4 तीलियां और मिला दें तब ये 2 सैकड़े यानी 200, 3 दहाई अर्थात 30 और 4 इकाई अर्थात 4, इनको मिला दिया जाएगा तो ये इस प्रकार से 234 हो जाएंगे। अब समझिए कि इस 234 में 4 इकाई के स्थान पर है और ये 3 दहाई के स्थान पर, और इसी तरह ये 2 सैकड़े के स्थान पर है। तो इस 2 को हम 200 कहेंगे क्योंकि ये 2 सैकड़ा में है। इसी तरह 3 दहाई पर है इसलिए इसका मान 30 होगा, और 4 इकाई पर होने के कारण 4 ही रहेगा। आओ अब सवाल हल करते हैं। इस तरह से अगर 32 में इकाई का अंक 2 है तो दहाई का अंक कितना है, बताओ? बिल्कुल सही, दहाई पर 3 आएगा। आइए अब आपकी बारी है। इस तरह के 4 बादल दिख रहे हैं ना आपको, 4 रंगों के, इनमें कुछ खाली स्थान दिख रहे हैं, तो इन खाली स्थान पर आपको कुछ अंक भरना है। जैसे पहले सवाल में 54 पर इकाई पर 4 है तो दहाई पर कितना होगा, उसी तरह सारे सवाल आपको हल करना है। जल्दी कीजिए। क्या आपने उत्तर निकाल लिए? इन्हें हमारे उत्तर से मिलाइएगा। देखिए जैसे पहले सवाल में 54 में 4 इकाई के स्थान पर है और 5 दहाई के स्थान पर, उसी तरह इस पीले वाले बादल में 5 इकाई के स्थान पर है, 6 दहाई के स्थान पर और 2 सैकड़े में है। इसी तरह इस नीले वाले बादल को देखिए, इसमें 5 इकाई का स्थान है, 1 दहाई और 4 सैकड़े का स्थानमान है। इसी तरह इस हरे रंग के बादल में भी देखिएगा, इसमें इकाई के स्थान पर 7 है और दहाई के स्थान पर 6। इसी तरह सैकड़े में 8 है। तो इस तरह आप भी घर पर ऐसे ही संख्याएं लिखकर इकाई दहाई का स्थानीय मान बताइएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो चलिए हमारा ये वीडियो देखते हैं और कठिन गणित को थोड़ा आसान बनाते हैं। गुणा से संबंधित इस वीडियो में आपका स्वागत है।
हल किए जाने वाला सवाल 2×3 है। पहले हम यह समझते हैं कि 2 से 3 का गुणा करने का मतलब क्या है। शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि हम इकाई, 1/10 और 1/100 को कैसे दर्शा रहे हैं। 2 को 3 से गुणा करने के लिए आइए पहले 2 इकाइयां लेते हैं। अगर आप 2 इकाई 3 बार लेते हैं तो आपको 6 इकाइयां मिलती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि आप 20 को 3 से गुणा करना चाहते हैं। अब क्योंकि 20 में 2/10 है, हम इसका उपयोग दहाइयों के रूप में भी कर सकते हैं। यदि हम 20 या 2/10 को 3 बार लेते हैं तो हमें 6 दहाइयां मिलती हैं, और इस तरह 6/10 60 है। अब मान लीजिए कि आप 200 से 3 का गुणा करना चाहते हैं। क्योंकि 200 वास्तव में 2/100 है, इसलिए हम इसका उपयोग सैकड़े के रूप में भी कर सकते हैं। यदि आप 200 या 2/100 को 3 बार लेते हैं तो आपको 6/100 या 600 मिलते हैं, इसलिए 200 से 3 का गुणा 600 है। समझ में आया? हमने देखा कि 2 को 3 से गुणा किया गया तो हल 6 निकला। उसके बाद हमने देखा कि 20×3 का हल 60 था और 200×3 का हल 600 था। अब आप देख सकते हैं कि जैसे प्रश्न में शून्य की संख्या बदलती है, उत्तर में शून्य की संख्या उसी के अनुरूप यानी उसी अंक से बदल जाती है। इसलिए जब 2×3 20×3 हो गया तो हमने प्रश्न में 1 शून्य लगा दिया, और उसी तरह हमने 1 शून्य को उत्तर में भी लगा दिया और उत्तर 6 को 60 बना दिया। तो अब आपको क्या लगता है कि 20×30 का हल क्या होगा? देखो, 2×3 का हल था 6, क्योंकि 2 शून्य हैं जिन्हें प्रश्न में लगाया गया है, इसलिए 2 शून्य को उत्तर में भी लगाया जाएगा और उत्तर 600 हो जाएगा, इसलिए 20×30 का हल 600 है। आपको क्या लगता है 2000×300 का हल कितना होगा? 2×3 का हल था 6। अब क्योंकि कुल 5 शून्य हैं जिसे प्रश्न में लगाया गया है, इसलिए उत्तर में भी 5 शून्य लगा दिए जाएंगे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 600,000। यह गुणा का पहला भाग था। और समझने के लिए भाग 2 और 3 भी जरूर देखें। पहाड़ों के खेल। आज आप संख्याओं के साथ एक मजेदार खेल खेलेंगे, पहाड़ों का खेल। सबसे पहले गेम खेलने के लिए एक चार्ट बनाएंगे, फिर खेलने का तरीका सीखेंगे। तो शुरू करें। कागज की एक सादी शीट लें और उस पर पेन या पेंसिल से एक बड़ा वर्ग बनाएं। वर्ग में 11 पंक्तियां और 11 कॉलम बराबर दूरी पर खींचें। ऊपरी बाएं वर्ग को खाली छोड़ दें। सबसे ऊपरी पंक्ति और सबसे बाएं कॉलम में 1 से 10 तक संख्याएं लिखें। अब बाकी के चार्ट को संख्याओं से भरने की विधि सीखते हैं। 1 के पहाड़े से शुरू करते हैं। 1×1 होता है 1, 1×2 होता है 2, और 2×1 भी 2 होता है। हम पहली पंक्ति और पहले कॉलम में 1, 2, 3 से लेकर 10 तक संख्याएं लिख रहे हैं। हम आगे क्या लिखेंगे? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1 का पहाड़ा पूरा हुआ कि नहीं। अब 2 का पहाड़ा। 2×1 होता है 2 और 1×2 भी 2 होता है। 2×2 होता है 4। आपको क्या लगता है 2×3 क्या होगा? हम 2, 4 और 6 लिख चुके हैं। आगे बढ़ें और 2 का बचा हुआ पहाड़ा पूरा करें। अब 10 का पहाड़ा लिखते हैं, क्योंकि ये एक आसान पहाड़ा है।
अंतिम पंक्ति और कॉलम में 10 गुणा 1 लिखिए जो होता है 10। 10 गुणा 2 20 और इसी तरह 30 40 आदि। इसको लिखते जाएं और इसे पूरा करें। देखो अभी तक ये आसान लग रहा है ना। अब अगला पहाड़ा लिखते हैं जो कि है 5 का। इसके कई भाग पहले से ही भरे हैं तो 5 गुणा 3 से शुरू करते हैं। 5 और 10 के बाद आता है 15 और फिर 20 फिर 25। तो इसका मतलब है कि 5 गुणा 3 है 15 और 5 गुणा 4 है 20। क्या तुम बाकी का पहाड़ा लिख सकते हो? अब हम 3 का पहाड़ा लिखने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम ऐसा करें, क्या आप हर तीसरी संख्या की गिनती करते हुए संख्या को चार्ट में लिख सकते हैं? जैसे 3, 6, 9, 12, ऐसे गिनते जाइए। यही 3 का पहाड़ा है। इसे तीसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम में भरें। अब जिस तरह आपने 3 का पहाड़ा लिखा, वैसे ही 4 का पहाड़ा लिखने के लिए हर चौथी संख्या की गिनती करें और चार्ट में लिख दें। चलो अब 9 की बारी है। 9 के पहाड़े में कुछ खास बात है। पहाड़े में दहाई के स्थान की संख्या हर बार 1 बढ़ जाती है और इकाई के स्थान की संख्या हर बार 1 घट जाती है। 9 के पहाड़े का ज्यादातर हिस्सा पहले ही लिखा जा चुका है। 9 गुणा 6 से बाकी का पहाड़ा लिखना शुरू करें। अब केवल 9 संख्याएं लिखनी बाकी है। 6 गुणा 7 होता है 42, जो कि 7 गुणा 6 के बराबर है। 6 गुना 8 होता है 48, जो कि 8 गुना 6 के बराबर है। 7 गुना 8 वही होता है जो 8 गुना 7 है, यानी 56। और अब सिर्फ 3 खाली वर्ग बचे हैं। 6 गुना 6 होता है 36, 7 गुना 7 होता है 49 और 8 गुना 8 होता है 64। बहुत बढ़िया, आपने पूरे चार्ट को भर लिया है और 1 से 10 तक के पहाड़े भी सीख लिए हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।